बहुत स्वागत करते हैं आपका क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में। इसमें क्या होता है कि आप कमेंट करते हो और मैं कोशिश करता हूँ कि आपके मन में जो भी डाउट चल रहा है उसको क्लियर कर पाऊँ। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन सेशन को, और कमेंट में क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई है आपके द्वारा, क्या क्या चीज़ें डाउट है, सारी चीज़ें कंप्लीट इस वीडियो में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कमेंट। सबसे फर्स्ट कमेंट है अनीश कुमार जी का, इनका कमेंट है जल्दी रजिस्ट्रेशन हो भैया। सब चाहता है कि जल्दी रजिस्ट्रेशन हो, क्योंकि फार्मासिस्ट जो भी हो, बी फार्म जो भी हो, अगर स्टडी के बाद अगर उसका रजिस्ट्रेशन ना हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता। तो सभी चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन जल्दी हो, और रजिस्ट्रेशन जल्दी होना ही चाहिए क्योंकि एक फार्मासिस्ट के लिए ये काफ़ी ज़रूरी है। भाई एक भैया ने कमेंट किया है वैकेंसी से ज़्यादा ज़रूरी है रजिस्ट्रेशन होना। एकदम सही बोल रहे हैं भैया, क्योंकि रजिस्ट्रेशन वैकेंसी तो है कि सिर्फ उन लोगों के लिए जो नौकरी में इंटरेस्टेड है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन अगर हो जाता है तो अपने अपने च्वाइस के अनुसार जिसको इंटरेस्ट है नौकरी में, नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता है, और जिनको अपना मेडिकल शॉप खोलना है या फिर कोई भी अनदर काम करना है रजिस्ट्रेशन के बाद, कहीं हॉस्पिटल में जॉब्स वगैरह करना है तो रजिस्ट्रेशन के बाद ही हो पाएगा। सो ज़्यादा ज़रूरी है आपका रजिस्ट्रेशन होना। ये एक कमेंट है भाई साहब का, रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सी है। तो भैया मैंने इस पर पार्टिकुलर एक वीडियो बना रखा है, आप उसको मेरे चैनल पर जाके देखो, और रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें कंप्लीट बताया है कि क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो लगेंगी, और क्या क्या चीज़ें आपको आपकी एफिडेविट फॉर्मेट कैसे बनाना है, सारी चीज़ें कंप्लीट इस वीडियो में मैं बताया हूँ। सर रजिस्ट्रेशन हो रहा है कि नहीं, देखिए भैया अभी जो मैं अभी जब तक का वीडियो बना रहा हूँ अभी तक रजिस्ट्रार साहब वहाँ काउंसिल में या फिर सचिवालय में नहीं बैठ रहे हैं, अभी रजिस्ट्रेशन का काम नहीं हो रहा है अभी तक की मिली जानकारी के अनुसार। नेक्स्ट बात करते हैं भाई साहब का है जसवंत सिंह, इनका कमेंट है कि अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है क्या, वहाँ रजिस्ट्रार आ गए हैं या नहीं। देखिए रजिस्ट्रार आप एक लेटर इशू हुआ था बिहार सरकार के द्वारा, उसमें रजिस्ट्रार को नियुक्त किया गया था, नहीं पता कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, नहीं पता जानकारी उनको पूरा पावर दिया गया नहीं दिया गया, लेकिन अभी रजिस्ट्रेशन के कार्य नहीं हो रहे हैं, रजिस्ट्रार अभी वहाँ नहीं आए हैं। इन्हीं भाई का कमेंट है कि मेरा PCI जयपुर में बी फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन करवाए 7 महीना हो गया। तो अच्छी बात है, आप जयपुर में रजिस्ट्रेशन आप करा लिए हो तो काफ़ी अच्छी बात है, और अभी तो बिहार में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। एक भाई का कमेंट है कैलाश कुशवाहा जी का कमेंट है, मैं यूपी से हूँ और यूपी से ही डीफार्म किया है, मुझे बिहार फार्मेसी में रजिस्ट्रेशन करवाना है, कैसे होगा डॉक्यूमेंट्स बताइए। देखिए भैया आपने यूपी से डीफार्म या बीफार्म कर रखा है तो आपको बिहार में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, अब मैंने इस पे पार्टिकुलर वीडियो बना रखा है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है आपको वो लगेगी। इसके अलावा आप रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र कराना चाहते हो ऑलरेडी, सॉरी अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो मतलब फ्रेशर कैंडिडेट हो, मतलब डिप्लोमा या बी फार्मेसी कम्प्लीट किए हो और आप बिहार में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो, तो आपका बिहार का रेसिडेंशियल जो आवासीय प्रमाण पत्र होता है वो होना चाहिए, आपका बिहार में रजिस्ट्रेशन हो सकता है। इसके अलावा हॉस्पिटल ट्रेनिंग कैसा होता है, हॉस्पिटल ट्रेनिंग कैसे होता है, कैसे होता है या कैसा होता है, हॉस्पिटल ट्रेनिंग 3 महीने का होता है, वो आपको डिफार्म अगर करते हो तो वो आपको कॉलेज से ही एक पेपर मिलता है, उसको आप कहीं भी सदर हॉस्पिटल CHC PHC में जाकर अप्लाई करोगे, वो देना पड़ता है, बात करना पड़ता है, तो आप उसमें ट्रेनिंग कर सकते हो। एक भैया का कमेंट है भैया हमें ट्रांसफ़र करवाना है यूपी से रजिस्ट्रेशन को, प्लीज़ रिप्लाई हो जाएगा। भैया देखिए अब कहीं से भी किसी भी स्टेट से आप किसी भी स्टेट में आप रजिस्ट्रेशन को ट्रांसफ़र करा सकते हो, और इसके लिए कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होती है, मैं इस पे पार्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा ट्रांसफ़र में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है आपको चाहिए होगा, आपको NOC कैसे लेना है, सारी चीज़ें कंप्लीट मैं एक पार्टिकुलर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसफ़र के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वह मतलब अप्लाई करोगे उसके साथ, तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा। एक नेक्स्ट बात करते हैं, एक भैया कमेंट है अमन आनंद जी का, रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है बहाली से ज़्यादा। एकदम सही बोल रहे हैं, रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है, रजिस्ट्रेशन न होने के चलते रोज़गार कहीं भी प्रोफेशन किसी भी प्रोफेशन में आप जाने चाहते हो, रजिस्ट्रेशन कोई भी आप डिप्लोमा या बीफार्म कंप्लीट किए हो तो उसका वैल्यू तभी होगा जब आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होंगे, तो रजिस्ट्रेशन ज़्यादा ज़रूरी है बहाली से। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट एक और कमेंट था, मैं आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट एक और कमेंट था कि डॉक्यूमेंट्स जो है कौन कौन सी आपको मतलब लेनी है, तो इस पर मैं पार्टिकुलर बताया कि भाई एक वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, उसमें आप उसको अच्छे से देख लें, मैं आपको कमेंट में भी रिप्लाई भी कर दूंगा। सो यही थी आपकी जो भी डाउट थी उसकी रिप्लाई मैं कोशिश करूँगा, अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे बेहिचक होकर कमेंट में लिखें, मैं आपकी
कमेंट को कोशिश करूंगा कि आपकी जो भी मन में डाउट है उसको क्लियर कर पाऊँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर आपको बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल, अदर स्टेट फार्मेसी काउंसिल, उसकी भी अपडेट मैं आपको देता आऊँगा, ट्रांसफ़र रेनुअल। इसके अलावा बिहार में जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी आएगी, अदर स्टेट में जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी आएगी, सारी चीज़ें